हाय दोस्तों, सेल गेम चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से रेल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में जो हमें कहीं न कहीं रेल से सफर करना पड़ता है, चाहे हमें अपने गांव जाना हो या हमें ऑफिस के काम से जाना हो या फिर एक्सपायर किसी भी काम से जाना हो, तो रेल का सफर हमें करना ही पड़ता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हमें टिकट बुक कराने की बारी आती है तो हमें कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। या तो हम किसी एजेंट की मदद लेते हैं या फिर हम खुद ही रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट बुक कराते हैं। अब दोनों ही कंडीशन में क्या है कि एजेंट से बुक कराते हैं तो हमें 50, 100, 200, 500 रुपए तक भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, या फिर अगर हम रेलवे स्टेशन जाके टिकट बुक कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को मैं आपको लिए सोल्यूशन लेकर के आया हूँ कि अगर आप भी इस दोनों परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए बगैर कट के। तो इस वीडियो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से कैसे रेल टिकट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल या सुझाव तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और हम वहाँ पे जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम रेल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों हम रेल टिकट दो तरीके से बुक कर सकते हैं। पहला, IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in से, और दूसरा IRCTC की ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC कनेक्ट से। दोनों का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सिंपली वहां पे क्लिक करके दोनों जगह में से कहीं से भी आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पे IRCTC कनेक्ट के थ्रू आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको IRCTC कनेक्ट ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ट्रेन टिकट वाले ऑप्शन पे हमें टैप करना है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि हम IRCTC पे अपना अकाउंट कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही साथ ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ बताया कि आप IRCTC अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो IRCTC अकाउंट बनाने के बाद सिंपली जब आपका यूजर नेम आ जाए तो आपको यहाँ पे यूजर नेम टाइप करना है। तो चलिए फटाफट से मैं IRCTC को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा, तो चलिए हम फटाफट से पिन सेट कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आगे जब भी मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो मुझे IRCTC यूजर आईडी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं एम पिन डालूँगा और उसी से मैं लॉगिन हो जाऊँगा। अब यहाँ हमारे सामने कई ऑप्शन आ रहे हैं, हमें टिकट बुक करने के लिए प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम प्लान माई जर्नी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिलहाल मैं इसे गॉट इट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें कौन से स्टेशन से कौन से डेस्टिनेशन के लिए जाना है वो हमें यहाँ पे सर्च करना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SMNE और डेस्टिनेशन हमें कहाँ जाना है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब हमें कौन से डेट को जाना है वो हमें यहाँ से जर्नी डेट सेलेक्ट करना है। इस कैलेंडर पे हम टैप करके जर्नी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें 20 सितंबर को जाना है। ओके पे क्लिक करना है और नीचे सर्च ट्रेन पे हमें क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने ये दो ट्रेन की लिस्ट आ गई है। अब हमें यहाँ देखना है कौन से ट्रेन में सीट अवेलेबल है। तो सबसे ऊपर वाले पे हम टैप करते हैं और हम देखते हैं उस पर सीट है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 20 सितंबर को 44 सीट जो है यहाँ अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से बुक कर सकता हूँ। तो बुक करने के लिए हमें बुक नाउ बटन पे क्लिक करना है। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद आपको पैसेंजर डिटेल एंटर करना होगा। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एज डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट करें। यहाँ से बर्थ परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है, विंडो साइड चाहिए या फिर आपको कोई भी सीट मिले वो चले, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडिया हो गया, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। सॉरी मैंने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, डन ओके। अब उसके बाद नीचे बुक टिकट पे क्लिक करना है।
अब हमें यहाँ पे कैप्चा एंटर करना होगा। कैप्चा एंटर करने के लिए नीचे एक बॉक्स दिया गया, इस पर हमें सेम लिखा हुआ वर्ड यहाँ पे फिल करना है, एक्स यू ए कैपिटल एन और इक्वल टू। उसके बाद हमें नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको ये कैप्चा समझ में ना आए तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन दिया गया है, रिफ्रेश पे क्लिक करके आप दोबारा से न्यू कैप्चा मंगा सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास में वॉलेट है तो वॉलेट का ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आपके पास नेट बैंकिंग वगैरह है तो नेट बैंकिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं UPI का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे भीम UPI के जरिए मैं पेमेंट करने वाला हूँ। भीम UPI के से पेमेंट बहुत ईजी है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है IRCTC पे पेमेंट गेटवे जैसे डेबिट कार्ड वगैरह है उसको कई बार हटा दिया जाता है। उस कंडीशन में आप UPI का इस्तेमाल करके टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि हम UPI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है फ़ोनपे के बारे में, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही साथ आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जान पाएंगे कि फ़ोनपे क्या है, इसे कैसे यूज़ करें और इसे यूज करने के फ़ायदे क्या हैं। हम प्रोसीड टू पेमेंट के लिए Pay20 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना UPI एड्रेस एंटर करना होगा, तो चलिए मैं अपना UPI एड्रेस एंटर कर देता हूँ। UPI एड्रेस एंटर करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मैंने पे कर दिया। अब यहाँ से ऑटोमेटिक जो है टिकट बन जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं फाइनली जो है टिकट बुक हो चुका है। फ्रॉम स्टेशन जो है SMNE टू स्टेशन पनवेल, डिपार्चर डेट 20 सितंबर, अराइवल 20 सितंबर, क्योंकि एक डेढ़ घंटे का जर्नी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल यहाँ पे दिया जा रहा है, PNR नंबर भी आ चुका है और साथ ही साथ नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम दिया गया है, उम्र दिया गया है और कौन सा बॉगी में हमारा D2 में 48 नंबर सीट दिया गया है। इस टिकट को प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको नीचे दिए गए माई बुकिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी टिकट बुक हुए होंगे वो सारे बुकिंग यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं सबसे टॉप पे ही आ रहा है वो टिकट बुक किया गया है। दोस्तों आज मैंने एक तत्काल टिकट भी बुक किया, जो कि मैं आप सभी के लिए बुक करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि आप फास्टली जो है तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जो अभी टिकट मैंने बुक किया जस्ट उसके नीचे एक है आनंद विहार टू गोरखपुर, ये टिकट मैंने बुक किया आज ही। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर देता हूं, जिसमें आप पूरा टाइमिंग देख सकते हैं कि कितनी देर में ये टिकट बुक हुआ है। तो अगर आपको भी जानना है कि हम मोबाइल फ़ोन से तत्काल टिकट फास्ट में कैसे बुकिंग कर सकते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर तत्काल टिकट के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और ताकि आप सब भी आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकें। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि हम मोबाइल से रेल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।